फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पॉली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सिख समुदाय को पुलिस में नौकरी के दौरान दाढ़ी रखने की इजाजत है, लेकिन इससे इतर बागपत के दरोगा इंसार अली को ऐसा करना भारी पड़ गया। पुलिस अफसरों द्वारा 3 बार उन्हें दाढ़ी कटवाने की हिदायत दी गई, लेकिन सभी चेतावनी को दरोगा ने नज़रअंदाज कर दिया। नतीजा सामने है कि एसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया है। वहीं दरोगा कहना है कि वह 3 बार एसपी व आईजी कार्यालय में दाढ़ी रखने की अनुमति मांग चुके हैं, लेकिन उनका प्रार्थना पत्र लंबित है। एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि दरोगा इंसार अली विभाग की अनुमति के बिना दाढ़ी रख रहे थे। 3 बार उन्हें इसे कटवाने की हिदायत वह स्वयं दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वह उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस में किसी भी धर्म के व्यक्ति को यदि दाढ़ी रखनी होती है तो उसे विभाग से अनुमति लेनी आवश्यक है। उधर दरोगा इंसार अली का कहना है कि 1 साल में वह 3 बार एसपी और आईजी कार्यालय में दाढ़ी रखने के लिए अनुमति मांग चुके हैं, लेकिन उनका पत्र लंबित पड़ा हुआ है। वह मंगलवार को एसपी के सामने गए थे तो एसपी ने उन्हें देखकर कहा कि हिदायत के बाद भी दाढ़ी नहीं कटवाई है, क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। विभाग की अनुमति के बगैर दाढ़ी रखने पर दरोगा इंसार अली को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई एसपी ने की है। इस बारे में एसपी अभिषेक सिंह ने यह जानकारी दी। जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोशीन का नाम इंसार अली है, इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी, उन्होंने जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इन्हें इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच उठा दी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।